ऑल राइट गाइस, तो आज हम कुछ नया करने वाले हैं। मॉन्स्टर वर्स को छोड़कर हम एक नई दुनिया में जाने वाले हैं जिसका नाम है मॉर्टल कॉम्बैट। तो मॉर्टल कॉम्बैट का ट्रेलर आ चुका है और जो लोग गेम्स खेलते हैं उन्हें तो पता ही होगा कि मॉर्टल कॉम्बैट क्या है, और जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता देता हूँ। सो मॉर्टल कॉम्बैट का यूनिवर्स रैल्म में बटा हुआ है, रैल्म्स लाइक अ प्लैनेट। सभी रैल्म्स एक जगह ना होकर अलग अलग डायमेंशन में मौजूद हैं। इनमें से कुछ हैं अर्थ रैम, जो हमारे अर्थ के सबसे नजदीक है, आउटर वर्ल्ड जो दूसरे रैम्स को डोमिनेट करना चाहता है, इडेनिया ब्यूटीफुल और मैजिकल रैम है, और नेदर रैम जिसे हम नर्क की तरह मान सकते हैं। तो ये सभी रैम एक साथ में नहीं रहना चाहते हैं, और जो आउटर वर्ल्ड है वो हमेशा दूसरे रैम्स को कॉन्कर करके सबसे शक्तिशाली बनना चाहता है। इन सब की आपसी लड़ाई को देखते हुए जो एल्डर गॉड्स हैं मॉर्टल कॉम्बैट के, उन्होंने एक टूर्नामेंट क्रिएट करा कुछ नियमों के साथ, जिसके मुताबिक अगर एक रैल्म को दूसरे रैल्म पर हुकूमत करनी है तो उसे दूसरे रैल्म को 10 टूर्नामेंट में लगातार हराना होगा, और ये टूर्नामेंट हर जनरेशन में होगा, जिसे मॉर्टल कॉम्बैट कहते हैं। और मॉर्टल कॉम्बैट का ट्रेलर फाइनली आ चुका है, और इस मूवी को डायरेक्ट किया है सिमन मैक्यूड ने, और प्रोड्यूस किया है कंजरिंग के डायरेक्टर जेम्स वॉन ने। तो बिना किसी देरी के चलिए करते हैं इस ट्रेलर का ब्रेक डाउन। लेट्स गेट इनटू इट। ट्रेलर स्टार्ट होता है कि सोनिया ब्लेड कोल यंग को बताती होती है कि 7 साल पहले जब वो और जैक्स ब्राजील में किसी की तलाश कर रहे थे, तब उनका सामना एक ऐसे आदमी से होता है जिसके पास सुपर शक्तियां थी। ये होता है सब जीरो, और सब जीरो अपनी बर्फीली पावर से जैक्स की गन जमा देता है। उसके बाद जैक्स के हाथों को बर्फ से जमा कर उसके बॉडी से उखाड़ फेंकता है। तो इस सीन से हमें पता चल जाता है कि जैक्स ने अपने हाथ कैसे खोए, और ये मूवी में एक मेजर चेंज है क्योंकि वीडियो गेम की स्टोरी में सब जीरो जैक्स के हाथ नहीं तोड़ता। उसके बाद मूवी में जो नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया है कोल यंग, उसके बारे में बताया जाता है कि वो एक एमएमए फाइटर है और उसके चेस्ट पे एक बर्थमार्क है, और जैक्स उसे इन्फॉर्म करता है कि ये बर्थमार्क उसने सब जीरो से लड़ते हुए भी उसके ऊपर देखा था। तो ये नॉर्मल बर्थमार्क नहीं है, ये एक्चुअली में इनविटेशन है मॉर्टल कॉम्बैट टूर्नामेंट का। उसके बाद में हमें कोल, सोनिया ब्लेड, ब्लू कैन और केनो की टीम साथ में दिखती है। फिर हमें मिलीना का एक ग्लिम्स दिखता है जो आउटर वर्ल्ड से है, जिसका राजा है शाओ खान। फिर हमें एक पेंटिंग दिखती है, और सोनिया ब्लेड कोल यंग को बताती रहती है कि कैसे ऑल ओवर वर्ल्ड में सभी कल्चर में मॉर्टल कॉम्बैट की कहानियां शामिल है। फिर इस शॉट में हमें रेडन और सैमसुंग दिखते हैं, जहां एक और रेडन अर्थ के वॉरियर्स का लीडर है, वहीं पर सैमसुंग आउट वर्ल्ड के फोर्सेस का लीडर है, और इन दोनों को आमने सामने देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। इसके बाद स्कॉर्पियन की ओरिजिन स्टोरी के कुछ शॉट दिखते हैं। यहाँ पर जो लोग स्कॉर्पियन पर अटैक कर रहे हैं ये लिन क्वाइट क्लैन के लोग हैं, जो कि सब जीरो की क्लैन है, और यहाँ पर ये जो फाइट कर रहा है इसका असली नाम हैंजो हैसेसी है, और यहाँ पर सब जीरो और उसकी क्लैन इसकी पूरी फैमिली को मार डालते हैं, जिसके बाद में हैंजो हैसेसी स्कॉर्पियन बन जाता है, और पूरी दुनिया में फेमस सब जीरो और स्कॉर्पियन की बदले की राइवरी स्टार्ट हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि सोनिया ब्लेड केनो से फाइट कर रही है। वैसे तो गेम में केनो एक नेगेटिव कैरेक्टर है, सो इस मूवी में भी पॉसिबल है कि केनो समय आने पर अपनी साइड बदल ले। उसके बाद हम देखते हैं कि केनो अपनी पावर का यूज करते हुए अपनी सिग्नेचर लेजर आई से ब्लास्ट कर रहा है, जो एक काफी अच्छा शॉट है। फिर लूकेन अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है अपने फायर ट्रेडमार्क के साथ में। लूकेन अर्थ रैम का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, जिसने कई बार अर्थ रैम को टूर्नामेंट जिताया है। फिर उसके बाद जैक्स अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। जैक्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है, जब बात स्ट्रेंथ की आती है तब जैक्स का कोई मुकाबला नहीं, और इस मूवी में मोस्ट लाइकली जैक्स को सब जीरो की तलाश जरूर रहेगी। फिर हमें कुंगलाओ दिखता है, जो अपनी आइकनिक रेजर शार्प हैट पहने हुए है, और इसके बाद कुंगलाओ अपनी हैट से कैनो की लेजर को डिफेंड करता हुआ दिखता है। अब लूकेन भी पॉजिटिव कैरेक्टर है, और कैनो हमें अर्थ रैम की टीम में भी दिखा, तो अगर ये दोनों लड़ रहे हैं तो पॉसिबल है कि कैनो ने अपना ईविल साइड दिखा दिया होगा। उसके बाद में हमें गॉड ऑफ थंडर लॉर्ड रेडन
अपनी लाइटनिंग टेलीपोर्ट पावर यूज करते हुए दिखता है। रेडन मोर्टल कॉम्बैट में वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर में से एक है और अर्थ रियल्म का सबसे बड़ा प्रोटेक्टर। उसके बाद में एक हमें छोटा सा शॉट दिखता है जहां पर हमें अर्थ रियल्म के सभी वॉरियर दिख सकते हैं। यहां पर रेडन, लू कैन, कुंग लाओ, कोल यंग, सोनिया ब्लेड, कैनो सभी मौजूद हैं। और यहां पर एक डिटेल है, हम लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कि किटाना का वेपन साइड में रखा हुआ है। अब किटाना को तो ट्रेलर में नहीं दिखाया गया है और ना ही उसका कोई पोस्टर रिलीज किया गया है, लेकिन इस वेपन को देखकर मुझे लगता है कि किटाना इस मूवी में जरूर होगी। फिर हमें दिखाई देता है स्कॉर्पियन का फुल लुक, जो कि देखने में तो काफी अच्छा दिख रहा है। और मूवी में स्कॉर्पियन की स्टोरी देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि स्कॉर्पियन की स्टोरी बहुत ही इमोशनल है। और हैंजो मर के जिंदा कैसे हुआ और नर्क का योद्धा कैसे बना है, ये मूवी में देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। उसके बाद में हम देखते हैं कि मलीना अपने वेपन से ब्लड चाट रही है। मलीना हमेशा से एक मोस्ट टेरिफाइंग कैरेक्टर है मोर्टल कॉम्बैट में, जिसे खून खराबा बहुत पसंद है। और मलीना का मूवी वर्जन गेम के वर्जन से तो काफी अलग है, क्योंकि गेम में मलीना का लुक काफी डिफरेंट है। फिर हम देखते हैं शाहरुख खान का स्टैच्यू, जिससे मूवी में शाहरुख खान के अपीयर होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। हो सकता है प्रोमोस में सैमसंग को विलन बताया जा रहा है, लेकिन असली रियल विलन शाहरुख खान ही हो। हमें एक इनविजिबल कैरेक्टर दिखता है जो सोनिया ब्लेड और कोल यंग पर नजर रखे हुए हैं, और ये कैरेक्टर कोई और नहीं रेप्टाइल है। रेप्टाइल मॉर्टल कॉम्बैट सीरीज का ग्रीन डेमोनिक और मॉन्स्टर टाइप का वॉरियर है, और मूवी में रेप्टाइल की फाइट देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। नेक्स्ट शॉट में हमें एक निंजा काले धुएं में जाता हुआ दिखता है। दिखने में तो ये सब जीरो जैसा दिख रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से ये सब जीरो नहीं, ये मोर्टल कॉम्बैट का अदर कैरेक्टर स्मोक हो सकता है या फिर नूप साइबॉर्ग। फिर हमें लू कैन दिखता है जो अपनी फेमस ड्रैगन फर्टिलिटी कर रहा है, जो पूरी तरीके से गेम से अडॉप्ट किया गया है। सो इन लोगों ने ये सब चीजें गेम से उठाई है, जो इस मूवी के लिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाई देता है गोरो आउटर वर्ल्ड का वॉरियर है, जिसके चार हाथ हैं और जो मोर्टल कॉम्बैट का कई बार चैंपियन रह चुका है। यहाँ पर गोरो के साथ में एक मिस्टीरियस फाइटर भी है जो आउटर वर्ल्ड का नहीं लग रहा है, और ये फाइटर कोल हो सकता है जो गोरो से फाइट कर रहा है। फिर हमें दिखाई देती है मोर्टल कॉम्बैट के हर गेम में होने वाली राइवरी स्कॉर्पियन और सब जीरो की, जो कि इस मूवी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। यहाँ पर हमें सब जीरो के कुछ सिग्नेचर मूव दिखते हैं, और यहाँ पर सब जीरो स्कॉर्पियन के ब्लड से ही स्कॉर्पियन को मार रहा है, और ये सीन मुझे मॉर्टल कॉम्बैट के ब्रूटल गेम प्ले की याद दिलाता है। और फिर स्कॉर्पियन अपनी फेमस लाइन बोलता है, सब जीरो को अपनी तरफ खींच लेता है, और ये सीन फैंस के दिलों को और ठंडक पहुंचाएगा। वैसे तो ये सीन अच्छा है, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि जब स्कॉर्पियन गेट ओवर हेयर कह रहा था, तो उसमें और ज्यादा इंटेंसिटी होनी चाहिए थी, जिससे और ज्यादा फील आता, क्योंकि गेम में स्कॉर्पियन बहुत इंटेंसिटी के साथ कहता है। यहाँ पर एक चीज और देखने वाली है कि कोल यंग भी यहाँ पर है, तो कहीं ना कहीं कोल यंग भी स्कॉर्पियन के साथ में अलायंस करके सब जीरो से लड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि कोल यंग का स्कॉर्पियन से कुछ ना कुछ तो रिश्ता है, जिसके कारण वो स्कॉर्पियन के साथ में है। और लास्ट में सैमसंग वॉरियर्स को एक दूसरे को खत्म करने के लिए बोलता हुआ दिखता है, और जहां पर हमें मोर्टल कॉम्बैट के कुछ फिनिशिंग मूव या फिर कहूं ब्रूटैलिटी देखने को मिलती है। और यहां पर हमें सोनिया ब्लेड मलीना के ऊपर अपनी ब्रूटल फैटलिटी करते हुए दिखती है, और साथ में कोल यंग भी है अपनी आर्मर स्किन पहने हुए। ये स्किन थोड़ी थोड़ी गोरो के शॉट में खड़े हुए आदमी जैसी भी लगती है मुझे। फिर हमें कैनो फैटिलिटी करते हुए दिखाई देता है, और कैनो जिस पर फैटिलिटी कर रहा है वो लुक वाइज तो रेप्टाइल जैसा लग रहा है, जो कि गेम से काफी अलग है। लास्ट में कैनो दिखता है रेप्टाइल के दिल को अपने हाथ में लिए हुए, जो अभी भी धड़क रहा है, और कहता है कैनो विंस, जो मोर्टल कॉम्बैट की हर फाइट खत्म होने के बाद में बोला जाता है। सो 1995 के बाद में ये पहली सिनेमैटिक मूवी है जो मोर्टल कॉम्बैट पर बनी है, और इन लोगों ने वीडियो गेम के स्ट्रक्चर का पूरा ध्यान रखा है, जो एक बहुत अच्छी बात है।
सो इस मूवी में हमें हमारे फेवरेट कैरेक्टर सब जीरो, स्कॉर्पियन, लूक एन, सोनिया ब्लेड, जैक्स, रेडन, सैमसुंग, कोल यंग जो नया कैरेक्टर है, इसके अलावा शाओ खान, मलीना, रैप्टाइल, स्मोक, नूप साइबॉर्ड सभी देखने को मिलेंगे, क्योंकि मोर्टल कॉम्बैट स्टोरी में इतने सारे कैरेक्टर हैं कि सबको एक साथ में लाना बहुत मुश्किल काम होता है। और मोर्टल कॉम्बैट के सभी कैरेक्टर खून खराबे के लिए जाने जाते हैं, जिससे ये मूवी तो रेटेड आर होने वाली है। और वैसे भी मोर्टल कॉम्बैट की सभी मूवियां रेटेड आर ही होनी चाहिए, क्योंकि मोर्टल कॉम्बैट की मूवी में जितना ज्यादा एक्शन खून खराबा होगा वो मूवी उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और आप मोर्टल कॉम्बैट के बारे में क्या सोचते हैं या क्या नहीं सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर गाइस।